दशबंधु ओजन कमेबाकु नै एबे समस्ते चिंता रे कि निजो डाइट प्लान को परिवर्तन करूछु त आउ के भोक लागुथले बि खाइबाकु मन बळो नाहंती किंतु एमते करबा द्वारा आपण को ओजन त कमिबनी परम आपण को शरीर असुस्थ होइचिबो कारण शरीरर परिवर्तन पई निर्दिष्ट नियम रहिछि जाकु मानिबा उचित मन इच्छा किछि करबा पूर्वरु डाइटिशियन को परामर्श नेबा मध्ये निहाती जरूरी तबे आउ देरी करबानी आसंतु जानिबा ओजन बढिबार कारण सब कोन रहिछि केमते याको ह्रास करा जाय परिबो केमते आपण एनी डाइट चार्ट प्रस्तुत करिबे से सबक नै आलोचना करिबा आलोचना पई आज आम सह स्टूडियो उपस्थित अछंती समस्तक जणासुना समस्तक प्रिय डाइटिशियन निहारिका दास मैडम। मैडम स्वागत करछी आपनक प्रेस्क्रिप्शन को केमते अछंती? मु भलो अछि धन्यवाद। तो तबे दशबंधु आपन तो जानिथिबे निहारिका मैडम को नै सोशल मीडिया रे मध्ये आपन जदि केबे सर्च करथिबे निहाती तांको देखिबा को पाउथिबे डाइटिंग को नै से अनेक समय रे टिप्स दियंती एवं आज आमे जेमती टॉपिक रखछंती जे केमते ओजन ह्रास करा जाय पारिबो ते प्रथम मैडम प्रश्न रहबो जे प्रकृतरे ओजन वृद्धि कारण कौन? देखो ओजन वृद्धि कारण बहुत किछि रही थाए। बेले बेले आम बहुत लोग भाई था कि आम जब खाद्य खाऊने कम खाऊे कि बहुत जन ओजन कमेबापी ये करती सपोज डाइटिंग करते से खाइबा बंद कर दे कि भावते जब आम खाइबा कमी दौचे तोर ओजन कमिजी तो सहीटा गोटे प्रथम कारण आप देखते जो मैंने ब्रेकफास्ट खाती लंच खाती तो से भावते जब आम खाइबुन तेज़ ओजन कमिजी से गोटे प्रथम कारण बहुत रोग को लेकिन जब से मानने आक्रांत डिजीज कंडीशन से ओजन बढ़ी थाए बाहर एणु तेणु जी शरीर को जी मात्र कैलोरी दरकार ताकि आम अत्यधिक खाद्य ग्रहण करे प्रत्येक दिन व्यायाम करूने प्रत्येक लोकंर लाइफ स्टाइल बयस एवं उच्चता अनुजाई जी खाद्य दरकार ताकि बेसी नौ द्वारा ओजन वृद्धि होता है तो ये सब कि रिजन अच्छी जो गुड़ापाई आम ओजनटा आजिकल जेनेसन में बहुत बढ़ी बढ़ी चली खाद्यपेय लाइफ स्टाइल एवं किसी डिजिज कंडीशन आईबार जब ठीक से न हो स्ट्रेस रही ये सब जिनस को लेकिन साधारण ओजन बढ़ी था। ओके तेज मैडम जमी आपते शोबा ठीक से विशेषकर आम जानते जहाँ भी आम खाद्य खाऊ सहित सफिशेंट पा पीवा दरकार बडी को एमती के समय रेस्ट नवा दरकार मिनिमम जन को पीबार आवश्यकता रही पूरा होल डे देखो तो सौ भाग रि मु देखी 80% लोक पा पीती पा पीवा आम के पा आमको दरकार पड़ता है जिते आम खाद्य खाई था यहाँ आपन को पचारे भी आप एग्री करेंगे मत पचारे भी मुझ एग्री करी जो मुझे पा पीनी कारण जो मुझे खाइबा खाऊ से मुझे पा पी दूँ तो गोटे छोट एक्जामपल मुझे देवाई चाहिए सपोज जमी आम रोसे करुचे जो समय जो जिन पकईवा दरकार आम से न पक सपोज फास्ट रू आम तेल पकईदा मसलाटा पूरा लास्ट्रे पकईवा ताले से तरकारीटा भल हेनी सेमती आम शरीर को भी खाइबा दबा सहित तो गोटे डाइजेशन ठीक खबरे हाबापाई पानी दरकार तो पानीटा आपड़ जब दौना लेट्रे पिं शरीर को हाइड्रेटेड रखुना ताल आप बहुत रोग से आक्रांत हो बहुत शरीर में समस्या देखा तो पाँच शरीर में आम दैनंदिन जीवन में गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कै तो से दुटा सिंपल टिप्स मुझे कहि जो मैंने अफिस बसिक कम करो सम्मुख में सब बेले पा बोतल रखिपारे अदरवैज फोन आप अलार्म सेट करेंगे जो मत पा प्रति घंटे मत 200 ml गोटे ग्लास रे गोटे ग्लास पानी मत पीबार अच्छे तो ये हिसाब से आप पा पीपर निश्चय बहुत भल कथ कहे जो मैंने विशेषकर अफिस कम करोबाइल आलार्म रखि दिंतु ताकि आप जापर क्यों समय आपको पा पीबार आवश्यकता रही है। मैडम निहत भाव में भल कथे कहते समस्त बर्तमान चाहूँ केमती आम इजिली पूरा हेल्थ कंट्रोल को नहीं जीव पूरा पतला हो समस्त यहाँ चाहती कि विशेष समय मैडम देखा मिले जो मैंने विशेषकर अफिस कम करें अफिस कम करमक समय न थाए जो आम जिम जीव योगा करूँ एक्सरसाइज करूँ यू को आम समय न थाए तेना जो मैंने विशेषकर जो महिला हूँ कि पुरुष हूँ अफिस कम करते कहुए खाई सारिकी जब बस कि जे कम कर पेट बाहरी जबार चानसेस थाए तो कमी कमी रिड्यूस कर देखते बहुत लोग समस्ते सर्टकट वे रे जीवा चाहती मनीष के निजी कष्ट कि करमर नेचर से या। तो बहुत लोग सप्लीमेंट्स को नियंती बहुत लोग एणु तेणु डाएट फॉलो करती यूट्यूब गूगल इंस्टाग्राम एबे तो कोरोना परे समस्त जन जन न्यूट्रिशनिस्ट निज माने सपोज मुझे किलो वेट लॉस कर देले ता माने मु जन को गाइड कर देबे सेटा केबे भी संभव नो कारण मो शरीर में मुझ कौ पद्धति कौ डाएट कौ खाद्य फॉलो
फॉलो करके वेट लॉस करी सेटा जदि मु सेटा आउ जनों को एडवाइस करबी ता द्वारा सेटा हेई परिबो कि नै केते दूर सेटा सक्षम सेटा केबे बे जाना पड़िबनि तो सेति पई सेटा गुडे फर्स्ट दिनस एंड सेकंड दिनस जो आपण कहिले जो माने ऑफिस रे बसी के काम करूचंती तांकर बेली फैट इशूटा बहुत रहूची कारण देखंथु ऑफिस रे आमे बैंकर सेमन को मे सिडेंटरी वर्कर कहितौ जो माने बहुत समय बसी के काम करनते एते हेवी वर्क न था तो सेमाने किमिति निजो डाइट को मेंटेन करिवे सेमाने किभळे भाबरे निजो को सुस्थ रखिवे बेली फैट को बढ़िया पई देबनी देखंथु 24 घंटा हमको भगवान देइछंती 24 घंटा रे जदि 1 आवर आमे निजो को दबानी निजो शरीर कथा भाबिवानी ताले आमो पखरे आउ कोनोसे काम पई समय रहिबोनी बोली मु भाबे समस्त आमे लेजीनेस आमो निजो को अळसपण पई आमे कहू कि आम पखरे समय नै एक्सरसाइज करिया पई समय नै तो एमाने कोन करिवे जो माने सिडेंटरी वर्कर से माने मील को स्प्लिट करके खाइबे ब्रेकफास्ट खाइले ऑफिस रे जते बेले काम रहुची आमे तो मोर गोटे सब बेले मु फार्मूला कोए कि आमे काम करूचु खाइबा पई एट द एंड आमको पैसा मिलबो आमे खाइबो भलसे रहिबो सुस्थ रहिबो तो सुस्थ रहिबा पई हेले आपनको खाइबा पई पडिबो सटीक खाद्य खाइबा पई पडिबो तो से माने जेंति आपन सपोज लंच रे संग संग खाइ देले लंच रे संगे संगे आसिक बस कम नकर फोन रिलेटेड किसी कम अच्छी आपड़ वर्क करके कमटा करेंगे आपड़ जो खाद्य खाऊँच बहुत जन लोक ऑफिस रे जो मैंने कम करते से माने कौन करते दिन सारा ठीक से खाते राति जाइए एक्सेस खाई दिखते आपड़ देखते जो मान नाइट शिफ्ट मानते डे शिफ्ट सका स्टार्ट हो राति जाए चली थोड़ा से कौन कहे मैम मुझ दिन सारा किसी खाईपाले रातिर एत टायर्ड लगे से मुझ बहुत जिनस खाईदेली तो सहीटा आप शरीर में एक्सट्रा फैट हो डिपोजिट हो रही जाए जोटा कि बेली फैट कौ सबक्यूटेनियस फैट से एक्सट्रा फैट हो डिपोजिट हो जाए और से फैट बहुत लोकर हुए बहुत लोकर हुए एमती भी लोक आप देखते जो मैंने दिन को तीन टाइम भात खाऊँच बहुत हेवी खाद्य खाऊँच कि हेवी वर्क करुँचे बेली पूरा फ्लाट रोचे कि आम तो बसी रोचे आमर कौन शारीरिक एक्सरसाइज रोनी आम जी मात्रा में क्यालोरी दरकार आम ताद अत्यधिक नवा तो शरीर में डिपोजिट होके रही ओके मैडम आम आलोचना करवा सहित जो कलर जोड़ी कल टी नहीं जावा हेलो हेलो आज्ञा सर किए कौन कौन कहते मैडम नमस्कार मुझे विजय कुमार पलाई कहूली कारवार कर्नाटक ओके सर कौन प्रश्न रही है आपण पचार मोर प्रश्न यह रही कि जे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो मोर फैट अधिकांश हूँ फैट मान मत अधिक मोटा ही जाऊँ आ मोर हाथ रे पिठी रे बॉडी रो वेरियस पार्ट रे मानने ट्यूमर टाइप रो गोटा गोटा हो जाऊँ तो तार कारण कौन एक्स्ट्रा फैट ना आ कौन कि आपणकर नमस्कार सर आपणकर बीएमआई केते अछि आपणकर ओजन आ उच्चता केते मोर हाइट 6.8 मीटर 166 सेंटीमीटर ओके ओजन 73 केजी ओके 166 ताले आपणकर ओजन 1 माने 65 टू 70 केजी भितरे हबा उचित चेष्टा करन तो टिके वेट कमेबा पई एवं आपण एक्स्ट्रा खाद्य एत खातु जो समय जी खाद्य दरकार से खातु एंड राति बहुत कम खाद्य खातु और राति जो खाद्य खाऊँच से खाद्यर गोटे निर्दिष्ट समय सीमा ठीक करूँ सपोज मत सतटा बेले खाइबार अच्छी कि छटा बेले खाइबार अच्छी जो पार्ट्रे आप एक्सट्रा फैट सब डिपोजिट हो रिलेटेड किसी एक्सरसाइज किंबा व्यायाम आप कर ओके तबे बहुत बहुत धन्यवाद जो कलर आमको कॉल करते मैडम एजेंट आम आलोचना करते आप कहते कई कई दिन सारा डाइट्रे रुंती आउ रात कुछ भल खाइबा मिले बहुत पेट भरी खाई दिखती तेज यह जानवाक चाहिए जे डाइट चार्ट जड़े करवा दरकार विशेषकर जो मैंने निजी मेन्टेन करने को चाहूबे तेरे कौन सब आम ब्रेकफास्ट कौन खाइबा दरकार केमती खाद्य खाइबा दरकार लंच रे कौन सब खाइबा दरकार डिनर में कौन सब खाइबा दरकार टी डिटेल्स कहतु ताकि जो दर्शक आमको देखुवे जो मैंने विशेषकर पतला चाहूबे से निर्ती देखो जी भी मते फास्ट गोटे जिन समस्त गोटे गोटे मिथ मु दूर करी जी भी देखे मत भी देखे फास्ट क्वेश्चन पचार आप डायट कर डायट रो माने नुहे जे आपण रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूड बुझिपारे डायट रो माने नुहे जे आपण फल खाइबे डायट रो माने नुहे जे आपण खाली पनीपरिया खाइबे डायट रो माने नुहे जे आपण खाली पानी पीके डायट करिवे गोटे डायट रो माने होचे गोटे संतुलित बैलेंस डायट रो माने होचे आपण सब खाद्य खाइबे
जेतिकी मात्रा रे आपन को जेतिकी पोर्शन रो दरकार जेतिकी आपन को हाइट वेट डिजीज कंडीशन कि आपन को जो वर्किंग कंडीशन रही जे ता हिसाब रे आपन को शरीर को जेतिकी परिमाण रे जो सब माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दरकार पड़ते सेतिकी मात्रा रे गोटे व्यक्ति प्रत्येक दिन नबा उचित। तो जदि भी आपन चाहूछंती डाएट फॉलो करबा पई तो फर्स्ट एटा माइंड रु बाहर करंतु जे डाएट रो माने नो जे मु सब दिन सब बंद करी गोटे अलग दुनिया को चली जीवी। तो डाएट रो माने हो जे आपन सब खाद्य खाइबे ठीक मात्रा रे ठीक परिमाण रे ठीक समय रे खाइबे। तो इन जनरल मु सब बळे हम ओडिया खाइबा को प्राधान्यता देई थाए मु सब बळे लोकों को जो खाद्य टी आपन को चारि पार्श्व रे मिली परुची आपन को घर पाखरे मिली परुची कम पैसा रे मिली परुची निजो पई मिली परुची सेटा खांतु। सपोज जणे व्यक्ति सकाळ उठे कि बहुत जण गरम खाली पेटरे गरम चा पी दियंती सेमिति न करके आपण कोनोसी सीड्स जो मंजीरु स्टार्ट करि परिबे जेंति कि डायबिटीज लोक माने मेथी पाउडर खाई परिबे बहुत लोक चिया सीड्स भी खांती आपण जो पंपकिन सीड्स जो पणस मंजी ताकु मध्ये नै परिबे ए सब जीरा जीरा वाटर सकाळ नै परिबे ए सब पणस मंजी कथा आपण कहतले जे पणस मंजी को केमती व्यवहार करि परिबे आपण सीधा हमें गोटा खाई परिबा ना ताकु भाजी की खाइबा ना ताकु पेस्ट करी खाइबा माने केमती ताकु व्यवहार करि पंपकिन सीडटा कखारु मंजी पणस मंजीटा भी आपण खाई परिबे तरकारी रे आपण हमें पणस मंजीटा को भी खाऊ नले तारो पाउडर करके भी आपण खाई परिबे नले तरकारी फॉर्म रे आपण तारो चटनी भी बनेके खाई परिबे। तो ए वे रे आपण खाई परिबे तो सकाळ आपण ए सब सीड्स जदि खाली पेटे खाई परिबे अदरवाइज किछि न नै कि जो लेंबू पानी हनी एगुडा किछि दरकार नै नॉर्मल गोटे ग्लास उसुम पानी नख उसुम पानी पियंतु। ब्रेकफास्ट रे आमर जते ओडिया खाद्य अछि जेंति कि मांडिया हला छतुआ हला चूडा हला ए सब दिनस आपण प्रत्येक दिन खांतु। ब्रेकफास्ट रे जदि बेसी अधिक काम करिवार अछि ताले आपण रोटी खांतु रोटी संतुला ला आपण कहतले ब्रेकफास्ट रे कोन सब खाइबा दरकार आ मु से ताज में कॉलर अछि त कॉल टेने जेबा तब आलोचना करिवा लंच रे कोन खाइबा दरकार डिनर रे कोन खाइबा दरकार। हेलो हेलो अगेन सर नमस्कार के कहतले कोड कहतले नमस्कार हम ना निरंजन नायक मु आनपुर मौदा विलेज रु कहतले। अगेन निरंजन बाबू कोनतु कोन प्रश्न रहछि आपण को मोर उच्चता होछि 5 फुट 6 इंच वजन आइगा 72 केजी एज 51 तो कौन जानी बाकु चाहूँ चंदी अपना जानी बाकु चाहूँ कि हेलो मर उच्चता में सर वो जो अधिक अच्छी की हाँ अच्छी अच्छी आगे आगे सर अपनों को उच्चता अनुजय अपनों को ओजन बेसी अच्छी 168 सेंटीमीटर माने हाइट इनटू सेंटीमीटर माइनस 101 तो अपनों को 67 के जी हबा कथा ठीक अच्छी अपनों 70 के जी भीतर रखों तो अपनों को उच्च माने ओजन तो ठीक रहेगा 72 अछि आगा मोर हां सेबे आउ 2 केजी कमै दियंतु 2-3 केजी कमै दियंतु कोन कले कमिबो पानी टिके कम पिजि मोर प्रोस्टेट अछि तण करी पानी टिके नै नै आपण खाद्य राति रे कम खाद्य खांतु सर राति रे बेसी खाद्य खांतु नि राति रे भात रोटी एते खांतु नि ओन्ली तरकारी खांतु आया सेमिति कले आपण को वेट कंट्रोल रहइबो दिन रो गोटे टाइम खाए गोटे मील ले एवं राति के दुईटा रोटी मोटे खाए दिन रे कोन खांती भात रे लंच रे कोन खांती लंच रे भात तरकारी आउ ब्रेकफास्ट रे मु केवल दीटा बिस्कुट ने एवं टिके चाय ने नाही नाही सेटा भूल करछंती आपण भाबी बेनी जे कम खाई देले मोर वेट कमी जीवो हां मोर या धारणा से ना ना मु कोन कहली कम खाइले के भी वेट कमी बनी कि खाइबा बंद करले के भी वेट कमी बनी ठीक मात्रा रे खाइबे ठीक समय रे खाइबे ठीक खाद्य खाइले वेट कमीबो। ओके बहुत बहुत धन्यवाद जो कलर कॉल करते निहांती भाव में से जहाँ क्वेश्चन पचारे उत्तर पाई सारी थे। तो मैडम आम आलोचना करते आप ब्रेकफास्ट में कौन खाइबा दरकार कहते तेज लंच में कौन खाइबा दरकार डिनर बेसिकली देखो लंचटा हूँ गोटे मेन मेजर मिल तो लंच में सब वेरटर खाइबा रहा उचित जमीक आप गोटे डाली रोटीन सोर्स फाइबर रमीक आपणकर सालाड ने तापर आपणकर वेजिटेबल सोर्स गोटे रही कौन से वेजिटेबल दरकार रे गोटे प्रोबायोटिक दही रो सब जिन गोटे समाहार जब ननभेज नौ ननभेज आइटम भी गोटे नहीं पारे तो गोटे सम मानते जिते सब आम फुड ग्रुप्स अच्छी प्रत्येक फुड ग्रुप्स किसी खाद्य नहीं कि आम लंच रहारटा तैयारी करता तो बहुत लोग सेमती भात डाली भात रुटी मिसेक खाई सेमती करें जदि भात खाऊ तो भात खातु रुटी खाऊ तो रुटी खातु कि तरकारी क्वांटिटा बढ़े दिखाँ तो लंचटा से भाई भाव में हवा उचित प्रत्येक दिन गोटे लेंबू नियंतु लंच रे दही टिके नियंतु सालाड नियंतु पनीपरिया नियंतु आमर शाग आम आम ओडिया डाएट हूँ सब बेस्ट डाएट मुझे कहीं कहे एत न्यूट्रिशन रिच खाद्य आम ओडिशा अच्छी
ଡାଲମା ହେଲା, ସନ୍ତୁଳା ହେଲା, ସଜନା ଛୁଇଁ ହେଲା, ସଜନା ଶାଗ ହେଲା, ଏତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି, ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେନି ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲଟି ନେଇଯିବା, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠି କହୁଥିଲେ? ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସଂସ୍ଥା କହୁଥିଲି। ଓକେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋର ୱେଟ 70 ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ମୋର ଝିଅ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ମାନେ 12 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ପେଟ କାହିଁକି କମୁନାହିଁ ଟିକେ, ଆଉ ଦେହ ସାରା ସବୁ କମିଛି, ସିଜରିଂ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପେଟଟା କାହିଁକି କମୁନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡେଲିଭରି ହଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସିଜରିନ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ପେଟ ଫୁଲା ରହୁଛି, କମୁନି ଆଉ ୱେଟ ବଢୁଛି ମଧ୍ୟ, କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ? ଆର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିଙ୍କୁ ତ ଆମେ ୱେଟ ରିଡକ୍ସନ ମାନେ ସରି ଲାକ୍ଟେଟିଂ ମଦରକୁ ଆମେ ୱେଟ ରିଡକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦିଆଯାଏ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥାଉ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେବନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଣ୍ଡ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କିଛିଟା ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡାଏଟ୍ ସେ ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବି ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀର ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଓଜନ ଆଉ ନ ବଢ଼େଇକି ଓଜନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି କମିବ। କ'ଣ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମ୍ୟାମ୍ ରହିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭ୍ରି ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ, ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନକୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍କୁ ଦେଖିକି, ବଟ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ସେ ଖାଇବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପୋଜ୍ ରାତିରେ ବେଶୀ ନ ଖାଇକି ଟିକେ କମ୍ ଖାଇବେ, ମୁଁ ଜେନେରାଲି ରାତିରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଇନଟେକ୍ଟାକୁ ମନା କରେ, ଇଭିନିଂରେ ଆପଣ ଡିନର୍ର ଖାଇବାଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଟିକେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ରାତିରେ ବହୁତ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କେବେ କରିବେନି, ବିକଜ୍ ରାତିରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦିନସାରା କାମ କରୁଛୁ ନା, ଆମ ଅର୍ଗାନ୍ସ ବି ଦିନସାରା 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଦେ ନିଡ୍ ସମ୍ ରେଷ୍ଟ, ତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଡାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋସେସ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ, ତ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କମ୍ ଖାଇବେ, କାରଣ ରାତିରେ ଆମେ କିଛି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିନଥାଉ, ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁ, ତ ରାତିରେ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଆଣ୍ଡ ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାଟ୍ ଥିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୟାଲୋରି ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଲଞ୍ଚ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଏତେ କଲର୍ ମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଡିନର୍ରେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଡିନର୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଆପଣ ପୁରା ହାଲକା ଖାଇବା ନିଅନ୍ତୁ, ଡିନର୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା? ଆପଣ ଡାଲି ସହିତ ସନ୍ତୁଳା ନେଇପାରିବେ, ଡାଲମା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଏତିକି ଟିକେ ଡାଲମା ନେବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ ଡାଲମା ନେଇପାରିବେ, କିଛି ପରିବା ତରକାରୀ ଯଦି ହେଇଛି ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଲି ନେଇଗଲେ, କି ସୁପ୍ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ର ଆଇଟମ୍ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଇଁଷ ପସନ୍ଦ। ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ରୁଟି କହନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ରୁଟି ଖାଉଛୁ, ଦୁଇଟା ରୁଟି ଖାଉଛୁ, ରୁଟିଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଡାଏଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଟି? ତ ରୁଟି ଭାତରେ କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଆମେ ରୁଟି ଭାତରେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ତ ରୁଟି ଭାତରେ ଏମିତି ଏତେ ମେଜର୍ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, କ୍ୟାଲୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମିଳିବନି, ବଟ୍ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲେ ଏତେ ଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ରୁଟି ଖାଇଲେ 3-4 ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆରେ 3 ରୁଟି ଖାଇସାରିଲାଣି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ଥାଏ। ତ ରାତିରେ କାହିଁକି ମନା କରାଯାଏ, ସପୋଜ୍ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦରକାର, ସେ ଖାଇବେ, ଜଣେ ଓବେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସେ କମ୍ ଖାଇଲେ ବି ତା ଶରୀରରେ ଯେତେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଏନର୍ଜି ଦେବ, ତ ସେଇଟା କନସେପ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଆଉ ରାତିରେ ଯେତେ କମ୍ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ବେଶୀ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମେଡିସିନ୍ ଅଧିକା ଖାଇଲେ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼େ? କିଛିଟା ମେଡିସିନ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଡକ୍ଟର ବି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, ମେଡିସିନ୍ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ବଟ୍ ସେମିତି ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଗେନ୍। ଓକେ ନିହାନ୍ତି, ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡାଏଟିଂ କରିବୁ, ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ କରିବୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କେତେ ମାନେ ଡାଏଟିଂ ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ କେମିତି ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଜଣେ ପ୍ରପର୍ଲି କରିପାରିବ? ମୋ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଡାଏଟ୍ ମୋର ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କୁହେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାଏଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଯିଏ କୁହେ କି ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ କୁହେନି, ବିକଜ୍ ଡାଏଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଠିକ୍ ୱେରେ କନ୍ଭେ ହେବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ୱେରେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଡାଏଟ୍ର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼, ତ ଡାଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜ ମନରୁ ଆସିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଜଣକୁ ବାଧ୍ୟ କରେଇକି କୌଣସି ଜିନିଷ କରେଇ ପାରିବିନି,
जणे जदि गोटे ओजन गोटे निश्चिंत डेस्टिनी रे पहुंचिबा पई चाहौछ गोटे टार्गेट नै कि चालुछि जदि से प्रत्येक दिन सो मानिबो प्रत्येक दिन सो ठीक से करिवो ताले से निजो डेस्टिनेशन रे ठीक से पहुंचि परिवो। ओके मैडम हम सुधा जणे कॉलर मध्ये अछन्ती हमें कॉल टी नै जिबा तबरा हम आलोचना करिबा। हेलो हेलो आज्ञा मैडम नमस्कार के कोथले कोट कोथले भुवनेश्वर रु कोथले। आज्ञा मैडम कोन कोन प्रश्न रहैछि। ओके सोनाली मैडम कोन कोन प्रश्न रहैछि। मैम मोर एज हूँ 16 मोर हाइट हूँ 5'2" मोर मैम ओजन बहुत मान ओजन हूँ 50 ओके एज 15 वेट 50 राइट। हां ओके ठीक अछि आपण को ओजन ठीक अछि आपण को ओजन ठीक अछि बिल्कुल आ कोन जानिबा को चाहौ छथि। मैम माने मोर एज 15 मो ओजन होजि 50 केते कहौ छथि 50 15 माने 15 मो एज। अच्छा हां हां एज 15 आपण को ओजन केते कोन जानिबा को चाहन छथि। मैम मुगे जे मो माने ओजन केते कम मारे। ओहो देखो तम देखो तो एबे आपण को ग्रोइंग स्टेज हैला आपण को एबे ओजन ऊपर फोकस करन त जदी एक्स्ट्रा ओवरवेट त आपण नाहंती जदि ओवरवेट हो जाए जिबे सेतेबेले आपण कोन करिवे ठीक खाद्य ग्रोइंग स्टेज रे आपण को प्रोटीन रिच खाद्य खाइबा उचित बुझि पारछंती। तो आपण बाहर जते जंक फूड अछि चिप्स चॉकलेट बर्गर प्रोसेस्ड फूड पैक्ड फूड जेंति कि आपण घर तैयारी नूडल्स है जो पैक्ड रे आसुचि ए सब जिनस रे आपण टिके बंद करंतु आ मीठा खाइबा कम करंतु तो एगुडा हेले आपण खराब जिनस कट डाउन हो जइबो टिके हमर नॉर्मल खाद्य जेंति कि हमर परिवा हैला तापरे आपणकर फळमूल हैला ए सब जिनस खांतु सीजनल फळमूल सीजनल परिवा ए सब जिनस खांतु ए सब जिनस खाइले आपणकर ठीक से बॉडी ग्रोथ हो पाउ इम्यूनिटी मध्ये एबेठु बढ़िबो। ओके मैडम जेमती एते कम वॉइस रु भी से पूरा ओरिड हे जाउछन तांको वेट को नै प्रकृतरे आमे मध्ये जानिबा को चाहिबो जे वॉइस विशेष करी केऊ वॉइस रे केते ओजन रहिबा दरकार एते समस्त जानिबार आवश्यकता रहिछि ताकि जदि सेतिकर ओजन बढुछि जने कॉन्शियस हबो जे मते वेट लूज करिबार अछि देन केऊ एज रे केते वेट रहिबा दरकार। देखो इन जनरल आम हाइट वाइज डिसाइड कर था एज वाइज भी डिसाइड कर था जमी 5.2 अच्छी हाइट तो सेंटीमीटर हिसाब करके -101 कले आइडियल बॉडी वेट कर ए फॉर्मूलाटा समस्त नोट करें जे हाइट इनटू सेंटीमीटर -101 ताठू जदि आपर बेसी क्रॉस कर सपोज दी गोटे दी के जी एपट सेपट हो गला ताले बीएमआई आम जो कौच बॉडी मास इंडेक्स तो सेटा भी आम सब कैलकुलेट करू जो जनकर 24 जाए रहा आम नॉर्मल वेट कहूँ जब 24 रु बेसी हो गला बीएमआई कैलकुलेट आम कले 25-26 ओबेस कह स्टार्ट करूँ बेसी हेल्ला ओबेस ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 एमती रोचे आज जब 18-16 रु कम रहा आम अंडर वेट कहूँ तो यही सब जिनस नहीं कि आप निजर ओजन को सब बेले चेक करें प्रत्येक दिन आप निज ओजन चेक करके वेरीड हे वेरीड हेले भी आपर ओजन बढ़ी पाए कमी पाए आप शरीर उपर नेगेटिव इंपैक्ट पक पारे तो से जिन आप सब फॉलो करेंगे एंड सब फॉलो करेंगे वेट बढ़ू कमु मत सब संतुलित डाइट खाइबार अच्छे जमीक आम कोरोना समय इम्यूनिटी कथ आसाला तो जब आप ठीक खाद्य खाइबे ठीक सोर्स रु ने आपर इम्यूनिटी बढ़ो और हाइट वाइज एज वाइज आप ओजन ठीक र। ओके बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपण आसिले एवं आशा करछि जो दर्शक हमको देखुथले जो कलर माने हमको कॉल करथले से तांको उत्तर पाई सारथिबे एवं विशेष करी जो पतला हबर कीडा जो मानको मध्ये रहिछ जो माने विशेष करी भाबुछन्ती जे आमे सहज रे केमती वेट लूज करि देबु आमे उपास रहिगले बोध हे वेट लूज हे जइबो ए जो चिंताधारा जो मानको रहिछ ये बिल्कुल भी भूल तणु सठिक समय रे खांतु एवं सठिक खाद्य खांतु ताले होय तो आपण आपण वेट लूज करि परिबे जे मैडम कहुथले डाइटिशियन जे रहिथले हम सहित निहारिका दास मैडम को हमको जा
टीप्स दौले आपको फलो करते बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप आसे तेज दर्शक बंधु प्रतिदिन आम एम जे जे अभिज्ञ डाक्तर को डाकबू डायटिशियन को डाकबू आपंकर प्रश्न रही थोड़ा आम तार उत्तर रखू प्रतिदिन आम शनिवार 3:30 समय आसपू आप एमती कल कर उत्तर आम रखा चेस्टा कर बहुत बहुत धन्यवाद तेज समय सरी आम स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रिस्क्रिप्शन को एड सर मत विदाय दिंतु नमस्कार।